बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आलिया के खिलाफ बीएमसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। मामला कोरोना नियमों के उल्लंघन का है। आलिया ने तोड़ा होम क्वारंटीन का नियम, अब बीएमसी लेगी बड़ा एक्शन। ये वही तस्वीरें हैं जिसने आलिया भट्ट की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए कैसे आलिया रणबीर कपूर और निर्देशक अयान मुखर्जी के साथ फैंस का अभिवादन कर रही हैं। मौका था आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के पोस्टर लॉन्च का। आलिया के लिए ये इवेंट इतना जरूरी हो गया कि आलिया ने बीएमसी के बनाए कोरोना नियमों को तोड़ डाला और प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंच गई। दरअसल 14 दिसंबर को करण जौहर के घर पर एक बड़ी पार्टी हुई थी जिसमें आलिया भट्ट, करीना कपूर, अमृता राव समेत कई बड़े सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। इसमें से करीना कपूर और अमृता अरोड़ा समेत करीब 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके बाद आनन फानन में बीएमसी ने करीना कपूर और महीप कपूर के घर को सील कर दिया। साथ ही पार्टी में शामिल सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। करीब 40 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। इनमें से कई लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बीएमसी के नियम के मुताबिक नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को भी 14 दिन क्वारंटीन रहना था। लेकिन आलिया रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तुरंत ही कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर दिल्ली पहुंच गई। बीएमसी को जब इसकी जानकारी मिली तो बीएमसी ने आलिया को दिल्ली में ही क्वारंटीन रहने के लिए कहा, लेकिन आलिया इसके बावजूद भी लापरवाही दिखाते हुए दिल्ली से वापस मुंबई लौट आई। अब बीएमसी आलिया के रवैये से नाराज है और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पेंडामिक में उन्होंने जो गुनाह किया है, जो कायदे से उन्होंने आइसोलेशन का उनको कहा गया था 15 दिन आइसोलेशन में रहने का, उन्होंने उसका भंग किया है, तो उस हिसाब से उन पे गुनाह नोंद होना ही जरूरी है और ये गुने में उनको उन पे जो भी कार्रवाई होती है वो करना जरूरी है, क्योंकि आज वो आलिया भट्ट एक सेलिब्रिटी है। अगर उसको हम लोग छूट देंगे तो कल और भी कोई करेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी है फिल्म का प्रमोशन? क्या स्टारडम के नशे में अपने और दूसरों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना जायज है? क्या जिन फैंस के बदौलत स्टार्स को स्टारडम मिलती है उनके प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ABP News, आपको रखे आगे।